वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोक शिक्षक संचालनालय रायपुर के द्वारा दिनांक 3/1/2020 को शिक्षक भर्ती से संबंधित होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन के लिए इसमें एक सूचना जारी हुई है, जिसके तहत 16/1/2019 को 11 बजे से शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CTE शंकर नगर रायपुर में उपस्थिति देने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उन लोगों के लिए कहा गया है दोस्तों, जिसमें जिन लोग इसका डेटा वेरिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्रत्येक संभाग से इसमें बोल रहे हैं कि 3-3 टीम का गठन होगा और प्रत्येक टीम में 3 सदस्य होंगे, और इन तीनों टीमों में से दोस्तों एक जो है मुख्य रूप से अधिकारी के रूप में का योगदान देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह जो है प्रत्येक संभाग में कुल 10 अधिकारी जो है उपस्थित होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 16 तारीख को ये उपस्थित हो जाएंगे और 17 तारीख से दोस्तों इसका डेटा वेरिफिकेशन जो है शिक्षक भर्ती के लिए वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जिन जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिलाया है और जिनका चयन अच्छे नंबर से हुआ है, और दोस्तों स्टार्टिंग में अभी जल्द ही ये सूची जारी हो जाएगा कि कितने रैंक तक के लिए कहाँ कब कब उपस्थित होना है। तो आप तैयार होकर के अपना जो है डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से ओरिजिनल और साथ ही साथ 2 सेट में तैयार करके ज़रूर रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और जैसे ही इसका सूची आएगा मैं आपको जल्द ही सूचित कर दूंगा। तो उसको तो दोस्तों अब हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ एजू पोर्टल के वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षक का अभिलेख सत्यापन व सहायक शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है। इसे जब हम खोलते हैं तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, वहां जाकर आप। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र कार्यालयीन उपयोग हेतु टेबल नंबर संख्या क्रमांक दिया हुआ है और फोटो के लिए स्थान दिया हुआ है जहाँ पर आप अपना फोटो पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, अपने सेफ्टी के लिए आप 2 से 3 फोटो अपने साथ जरूर रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, अभ्यर्थी की जानकारी और विवरण दिया हुआ है जिसमें आपको सभी जानकारी भरने होंगे। रोल नंबर दिया है दोस्तों, तो विवरण के नीचे आपको रोल नंबर भरने होंगे। उसके बाद संभागीय मेरिट क्रमांक दिया हुआ है जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर 5 संभाग दिए हुए हैं, उसके अनुसार आपको ई और टी रैंक भरने होंगे। उसके बाद दोस्तों, अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम भरना होगा। अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरने होंगे। पिता व पति का नाम, उसके बाद लिंग महिला पुरुष व अन्य आप भरेंगे। जाति वर्ग आप अपना जाति यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अपना स्थायी पता जहाँ आप रहते हैं और अपना वर्तमान पता। उसके बाद आप दिव्यांग है तो उसके प्रकार और प्रतिशत भरेंगे। उसके बाद दोस्तों, जन्मतिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार आपको भरने होंगे, और यह भरना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मैट्रिकली है, तो आपको इसे भरना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, 1/1/2019 की तिथि में आपकी आयु कितनी है, वर्ष माह दिन के अनुसार भरने होंगे। उसके बाद दोस्तों, स्थायी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक एवं जारी दिनांक, तो दोस्तों आपके जाति प्रमाण पत्र में दिनांक व क्रमांक लिखे होंगे, इसको भरना जरूरी है। इसके अभाव में हमने देखा कि लेक्चरर के दस्तावेज सत्यापन में कुछ लोगों को अपात्र कर दिया था, और उसमें कारण भी बताया गया था कि जाति प्रमाण पत्र में क्रमांक और दिनांक स्पष्ट नहीं है। तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र देख लीजिएगा कि उसमें क्रमांक और दिनांक है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी दिनांक, इसमें भी वही होगा, दिनांक और क्रमांक जारी क्रमांक लिखा होगा, उसे आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, वर्ष जब आपने 12th पास किए उसका वर्ष, प्राप्तांक और पूर्णांक आपको यहाँ पर भरने होंगे। स्नातक प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर की जानकारी देवे आपको भरना है। यहाँ पर वर्ष सेमेस्टर उत्तीर्ण करने का वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, श्रेणी आपको, यदि आप सेमेस्टर में दिलाए हैं तो सेमेस्टर के अनुसार भरिएगा, और या फिर आप वर्ष में दिलाए हैं तो आप वर्ष भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बीएड या डीएलएड आपको भरने होंगे, सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर और वार्षिक है तो वार्षिक के अनुसार आप इसे फिल करेंगे।
उसके बाद दोस्तों अध्यापक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण संबंध मिडिल स्कूल हेतु आप अपना टीटी बताएंगे। टीटी का स्तर कैसा है, किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है, उसके पूरे विवरण आप यहां पर देंगे, ठीक है। उसके बाद व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र का सत्यापन है ना, सत्य प्रति आपको जब आपने एडमिट कार्ड एग्जाम दिलाए थे उस वाले एडमिट कार्ड को लेकर जा सकते हैं, या फिर आपके पास और होंगे उसे डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड के अभाव में हमने लेक्चर में देखा था कि वहां पर भी अपात्र कर दिया गया था, तो आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए, चाहे आप एग्जाम दिलाए थे वो ले जा सकते हैं, या आपके पास डाउनलोड रखा होगा, डाउनलोड अपने रखे होंगे उसे प्रिंट करके फिर ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि पूर्व में शासकीय सेवक नियुक्ति हो तो आप दे सकते हैं। उसके बाद नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें, यदि आप शासकीय सेवक है तो आपके आपको नियुक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए टाइम दिया जाता है, लेक्चर में दिया गया था, लेकिन टाइम तब दिया जाएगा जब आपने एप्लीकेशन वहाँ अप्लाई कर दिए थे, उसका कॉपी आप यहाँ सबमिट करेंगे सत्यापन कराने टाइम, तब आपको वहाँ पर पात्रता दी जाएगी, है ना। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक है तब हाँ या ना में देना है। छत्तीसगढ़ राज्य विधवा परित्यक्ता ये है तो आप दे सकते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति ये सब। उसके बाद दोस्तों अपना हस्ताक्षर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर, उसके बाद ये प्रोसेस पूरे हो जाएगी, तो आपको ये सभी चीज ले कर जाना है। तो दोस्तों इससे संबंधित आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लेटर जारी किया गया है, जिसमें दिनांक 4/1/2020 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, जिसमें बस्तर एवं सरगुजा संभाग साथ ही साथ कोरबा जिले को छोड़कर, यह लेटर जारी किया गया है, जिसमें सहायक शिक्षक संवर्ग सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन। तो दोस्तों इसीलिए बस्तर सरगुजा संभाग साथ ही कोरबा जिले को छोड़कर सभी जिलों में अभ्यर्थियों के अभिलेख प्रपत्र जारी किया है, और इसका संदर्भ है दोस्तों संयुक्त संचालकों की बैठक दिनांक 30/12/2019 को हुई थी। इसमें विषय अंतर्गत लेख है कि वर्तमान में विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षक विज्ञान एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हिंदी माध्यम तथा सहायक शिक्षक कला एवं विज्ञान अंग्रेजी माध्यम संवर्ग की सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है। विभाग द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार व्यापम के माध्यम से चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। व्यापम ने चयन परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। मेरिट क्रम अनुसार अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन एवं आरक्षण अनुसार चयन की प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 30/12/2019 को संभागीय आयुक्त संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी। परस्पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें 14 जिलों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन रायपुर मुख्यालय में होगा। उसके बाद श्री जी आर चंद्राकर जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर दस्तावेज सत्यापन के नोडल अधिकारी होंगे। प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा अधिकारी दस्तावेज सत्यापन एक एक दल 3 सदस्य का गठन करके नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे। दल के साथ एक सहायक संचालक की उपस्थिति भी सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी के दस्तावेज का सत्यापन डाइट शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के नोडल अधिकारी व्यापम द्वारा जारी जिलेवार पदवार मेरिट सूची के आधार पर विज्ञापित संवर्गवार पदों के लिए 1:2 की संख्या में अभ्यर्थियों को सत्यापन हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचित करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के पास कॉल लेटर आएंगे। दस्तावेज सत्यापन हेतु जिलेवार अभ्यर्थी की सूची समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रमाणित करेंगे। दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची एडू पोर्टल में डाली जाएगी। तो
आप तैयार रहे दोस्तों, एडू पोर्टल में सभी जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों दस्तावेज परीक्षण कब कब होने हैं, इसमें कुल टेबल 14 की होगी, जैसा कि हमने लेक्चरर की दस्तावेज परीक्षण में देखा था। प्रक्रिया सेम होगी, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है वही होगी जहां लेक्चरर की हुई थी। तो इसमें सहायक शिक्षक विज्ञान का दस्तावेज परीक्षण 21 से 24 तक होगी डाइट शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इसका दस्तावेज परीक्षण 29 एवं 30 जनवरी को होगी डाइट शंकर नगर छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला एवं विज्ञान, इसका भी दस्तावेज सत्यापन 27/1/2020 को डाइट शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। तो दोस्तों बाकी प्रक्रिया जैसे लेक्चरर में हुई थी वैसे ही होगी। तो आपको एक मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपके पास कॉल लेटर आएगा, उस कॉल लेटर के अनुसार आप सभी दस्तावेज को लेकर शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ जाएंगे और वहां अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। बाकी की प्रक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि कौन कौन से चीज़ आपको लेकर जाना है, और बाकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइए। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षक वर्ग 2 अंग्रेजी विषय का लेटर जारी कर दिया गया है। 21 तारीख को इन लोग का वेरिफिकेशन है, ठीक है। इस बात को आप निश्चित रूप से गांठ बांध लीजिए। पूरा लेटर अभी आपको मैं पढ़कर बताने वाला हूँ, एक व्यक्ति के नाम पे एकदम जेन्युइन न्यूज है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं पूरा न्यूज, आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं और अभी आपको बताने वाला भी हूं क्या क्या ले जाना है वर्ग 2 वाले को, इसको अभी बताने वाला हूं। सारा चीज अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप वेरिफिकेशन में अगर आपका नाम आ सकता है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए व्यूअर हैं तो। देखिए, शिक्षक भर्ती अंग्रेजी यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाला ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ अंग्रेजी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ दिनांक भी लिखा हुआ है, यहाँ पर उसको भी आप देख सकते हैं 7/1/2020 करके। और यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है, किसी तरह कोई डाउट हो तो फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक। और रायपुर छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति, मैंने सिक्योरिटी पर्पज के लिए नाम को यहाँ पर हाइड कर दिया है। और आगे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम उपरांत शिक्षक पद पर नियुक्ति होते प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों का दस्तावेज सत्यापन विषय। ओके, अब यहाँ मैं सीधा आपको टू दी पॉइंट बात करके बताता हूँ कि देखिए 21/11/2019 विषयांतर के संदर्भी पत्र के द्वारा जारी मेरिट सूची में आपका नाम, ठीक है, जो इस व्यक्ति का नाम लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा शिक्षक विषय अंग्रेजी के पद पर सम्मिलित है, मतलब अंग्रेजी विषय में इन्होंने एग्जाम लिखा था होगा, इसलिए इनका अच्छा रैंक आया है, अच्छा नंबर आया है, इसलिए इनको सूचित किया जा रहा है। अतः शिक्षक पद पर नियुक्ति के पूर्व निम्नांकित मूल अभिलेख एवं अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति। अब मूल अभिलेख तो आपको लेकर जाना ही है, जो यहाँ पर अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा स्वप्रमाणित, मतलब इसका फोटो अटेस्टेड करवा के स्वयं का सिग्नेचर कर दीजिए, इसको कहा जाता है स्वप्रमाणित, के छाया प्रति के 5 सेट, प्रत्येक संभाग हेतु 1 सेट, मतलब 5 सेट, चूंकि आपने 5 संभाग में फॉर्म भरा था होगा, इसलिए 5 सेट निश्चित रूप से करा के रख लीजिए, बेहतर हो 2 सेट और ही बनवा के रखिए, ठीक है। किसी तरह का कोई मांग दिया तो वहां देना पड़ सके। छाया प्रति के 5 सेट, प्रत्येक संभाग हेतु 1 सेट के साथ शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जाना कहां है ध्यान दीजिएगा, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CTE शंकर नगर रायपुर में दिनांक 21/1/2020 को, ध्यान दीजिएगा कब है इसका वेरिफिकेशन अंग्रेजी विषय का, 21/1/2020 को प्रातः 10 बजे, ठीक है, सरल क्रमांक UR 1 से 400 तक, ठीक है। इसका जो सरल क्रमांक है 1 से 400 तक का जो है प्रातः 10 बजे को है, और एवं दोपहर 1 बजे सरल क्रमांक UR 401 से 750 तक, ओके, अनिवार्य रूप से उपस्थित हुए।
वांछित अभिलेख इस प्रकार है, सभी दस्तावेजों की 6 प्रति भी 5 प्रतियों में लाएं। ओके, तो इसके लिए आपको 5 प्रति लाना है सभी दस्तावेजों का, इसको आप ध्यान में रखिए। और भी जो इम्पोर्टेंट है, देखिए सत्यापन प्रपत्र आवेदक स्वयं 5 प्रतियों में लाएं। जो आवेदन प्रपत्र है, मतलब सत्यापन का जो प्रपत्र है, उसको आपको 5 सेट में निकाल के लाना है। मेरी तरफ से यूट्यूब चैनल से मेरा ये कहना है कि आप निश्चित रूप से 7 कॉपी तो पकड़ ही लीजिए उसको। अब ये प्रपत्र मिलेगा कहाँ, तो इसके लिए वेबसाइट दे दिया गया है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इसके संदर्भ में मैं वीडियो बना दिया हूँ, सत्यापन प्रपत्र कैसे डाउनलोड करना है करके। ओके, तो इसको 6-7 पेज, इसको 6-7 सेट निकाल लीजिए, ठीक है। 5 पासपोर्ट साइज फोटो पकड़ लीजिए, ज्यादा ही पकड़ लीजिए, 6-7। कक्षा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक मार्कशीट संबंधित विषय 3 सेमेस्टर, तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरह और भी लिखा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, पंजीयन की जरूरत नहीं है। आप पंजीयन न भी पकड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से पकड़ के चले, ठीक है। बाकी यहाँ और जो एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप पकड़ लीजिए। और एक चीज है, यदि आप शासकीय सेवक है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, भाई अगर है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले के दिनांक या उस डेट तक का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ इसको लिख दिया गया है, फिर बाद में वही अभी व्याख्यातम फंस रहे, वही चीज उनको अपात्र कर दिया गया है रिजल्ट के बाद, जो सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए हैं उसको। इसलिए अभी इस तरह झंझट में ना पड़िए, और जो भी डॉक्यूमेंट है सब रिजल्ट पहले का होना चाहिए या फिर उस डेट तक का होना चाहिए। ओके, और दिव्यांगता अगर हो तो बनवाल वो होना चाहिए उसका प्रमाण पत्र। और जो भी संबंधित है छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रवर, डीएड बीएड शिक्षक, टीईटी वगैरह वगैरह जो भी है, तो सारा चीज यहाँ पर होना भी चाहिए। ओके, तो जैसे ही अन्य विषय का, जैसे कृषि का तो आपको पता चल ही गया होगा 17 तारीख को है, ठीक। अभी अंग्रेजी का पता चल गया कि 21 तारीख को है। इसी तरह और जो भी विषय का आएगा निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। हो सकता है मुझे जानकारी ना पता चले तो मुझे भी कमेंट करके आप लोग बताइए, और मुझे ईमेल कर दीजिए आपका कोई ऐसा लेटर, ताकि मैं और भी लोगों को बता सकूं। और अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा, उनको जानकारी होगा, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग इसको देखें और जान पाए कि उनका वेरिफिकेशन कब है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि सर हमारा तो भाई लेटर अभी तक आया नहीं है, अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए घबराएं नहीं, अभी कुछ दिन वेट करें। और मुझे लगता है इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें लिस्ट भी जनरेट किया जाएगा जिनका जिनका वो सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। इसलिए पूरा लिस्ट आएगा, तो उसमें इसका ये लेटर नहीं भी आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह आप पकड़ के, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो वहां पर जा सकते हैं। जैसे कि व्याख्याता में हुआ था, व्याख्याता में कई लोग का फ्रेंड्स जो लेटर जो है ना वेरिफिकेशन के बाद पहुंचा था, या फिर कई लोग का पहुंच भी नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए घबराएं नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है इस वेबसाइट में लिस्ट जनरेट किया जाएगा, तो उससे भी आप देख के नाम अपना जा सकते हैं। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी जारी रखें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम एक नए जानकारी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा कमेंट करके पूछा जाने वाला सवाल का जवाब अभी यहाँ मिल जाएगा आपको। अभी मैं आपको पूरा पूरा मतलब सब विषय जितना भर्ती हुआ था, ठीक है, वर्ग एक के शिक्षक को छोड़कर, वर्ग दो का, हिंदी माध्यम का, अंग्रेजी माध्यम का, सभी विषय, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, सभी विषय का आपको मैं एकदम ऑफिशियली आपको जानकारी देने वाला हूँ कि किसका वेरिफिकेशन कब कब होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग दो के पद का, उसके बाद वर्ग तीन के पद पर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कृषि जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, कृषि, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन यहाँ होगा आपका 17 तारीख को होगा। कहाँ होगा तो इसको आप देख सकते हैं, शासकीय शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में होगा। ओके, अब उसके बाद व्यायाम शिक्षक जो होता है उसका होगा आपका 18 तारीख को और 20 तारीख को, ठीक है, 18 और 20 तारीख को इसका वेरिफिकेशन होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आगे हम बात करेंगे अंग्रेजी के शिक्षक 21 से 23 मतलब 21, 22 और 23 जनवरी को इसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद हम आते हैं जीव विज्ञान पे,
जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के शिक्षक 24, 25 एवं 27 को होगा, मतलब 3 दिन इसका वेरिफिकेशन होगा, 24, 25 एवं 27 को इसका वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद आते हैं हम गणित पे, 29, 30 जनवरी एवं 1-2-2020 लिखा हुआ है, मतलब 29 जनवरी को, 30 जनवरी को और 1 फरवरी को इसका वेरिफिकेशन होगा। ध्यान दीजिएगा इसका भी 3 दिन है, 29 जनवरी, 30 जनवरी और 1 फरवरी को इसका वेरिफिकेशन होगा, मतलब 3 दिन इसका वेरिफिकेशन चलेगा। आते हैं अब शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का आपका हो जाएगा 4-5-2-2020, मतलब 4 फरवरी और 5 फरवरी 2020 को इसका वेरिफिकेशन होगा शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का, इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूं। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स वर्ग 3 के पद का, ठीक है, तो यहाँ शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान का आपका 21 से 24 जनवरी तक इसका वेरिफिकेशन चलेगा, कहाँ चलेगा, डाइट शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 29-30 को, ओके, इसका वेरिफिकेशन सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का यहाँ चलेगा। ओके, अब सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का है कला एवं विज्ञान करके, इसका होगा 27 जनवरी को इसका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वैसे जानकारी मैं पहले ही दे चुका था, लेकिन इस वीडियो हमने पूरी तरह से आपका सभी पद के जो वेरिफिकेशन है उसका अभी जाना हमने। और फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम और डिटेल से बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है वर्ग 2 के लिए, उसके बारे में बात करेंगे और भी महत्वपूर्ण चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का घंटा जरूर दबाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शिक्षक की मेरिट सूची जारी कर दिया है, आप वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, किसी एक का हम डाउनलोड करते हैं। इसमें शिक्षक कृषि के अभ्यर्थी का संवर्ग वर्ग मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची, उसी प्रकार विज्ञान व्यापम शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, शिक्षक अंग्रेजी अभ्यर्थी और शिक्षक गणित, शिक्षक कला, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक संवर्ग हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। तो समय सारणी तो पहले से जारी कर दी गई थी, फिर भी हम एक बार उसे डाउनलोड करके देख लेते हैं। ऐसे डाउनलोड होगा उसके बाद इसे हम देख लेते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन से दिन आपको जाना है। 17 को कृषि का है, जिसमें संख्या भी बता दिया गया है। उसके बाद व्यायाम का भी बताया गया है, जिसमें 18 और 20 को व्यायाम शिक्षक का दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया होना है। उसके बाद देखें अंग्रेजी माध्यम में भी 21, 22, 23 को दस्तावेज सत्यापन होगा। जीव विज्ञान 24, 25 और 27 को, उसके साथ गणित, गणित का 29, 30 और 1 को होगा। उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में कला का 4, अंग्रेजी माध्यम द्वितीय में 4 दोनों, उसके बाद विज्ञान में 5-2-2020 प्रातः 10 बजे 286 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो ये टाइम टेबल है दोस्तों, इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद बैक चलते हैं, उसके बाद देखते हैं किसी एक विषय का, जैसे सूची दी होगी तो चलिए कृषि का देख लेते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है शिक्षक कृषि के अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन की सूची।
तो ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको डाउनलोड करके अपना जो नाम है और क्रम है उसे देख लेना है, और टाइमिंग क्या है उसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कॉल लेटर भी पहुंचा होगा। फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो देखिए, आरटीआई लगाया गया है प्रति लोक सूचना अधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़, विषय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। ठीक है महोदय, कृपया मुझे निम्न बिंदु के सत्य प्रति जानकारी प्रदान करें, उस नियम की प्रति उपलब्ध करावें जिसके तहत एक ही सत्र में एक साथ डिप्लोमा डिग्री उपाधि उत्तीर्ण शिक्षक भर्ती 2019-20 की अभ्यर्थियों को अपात्र किया जा रहा है। दूसरा यह है कि उस नियम की प्रति उपलब्ध करावें व्याख्याता भर्ती 2019-20 में डबल डिग्री अर्थात एक ही सत्र में दो डिग्री प्राप्त करने वालों को अपात्र किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो आरटीआई लगा दिया गया है एक बंधु के द्वारा, और बहुत ही सराहनीय काम किए हैं जिसने भी लगाया है ये चीज, और आज ही लगाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, 24/1/2020 की डेट पे, तो देख सकते हैं आज 24 जनवरी है और आज ही इसको लगाया गया है। तो जल्द ही आई थिंक इसका रिप्लाई मिल जाएगा, जैसे रिप्लाई मिलेगा मैं पुनः आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी कई लोग जिन्होंने डीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन कर रखा है उनको क्या किया जा रहा है, उनका जो वेरिफिकेशन प्रपत्र है उसमें एक टैग बनाकर लिख दिया जा रहा है कि डीएड और डिप्लोमा और डिग्री एक साथ किया गया है, बस ये लिख दिया जा रहा है। और जिसके पास आय प्रमाण नहीं है ओबीसी कैंडिडेट के पास, तो उनके पास लिख दिया जा रहा है, उनको भी टैगलाइन टाइप का लिख दिया जा रहा है उसमें कि आय प्रमाण पत्र अप्राप्त करके ऐसा लिख दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा ही क्रिटिकल सवाल है, बहुत ही कठिन सवाल है मेरे लिए भी इसका जवाब दे पाना, क्या डिग्री और डिप्लोमा एक साथ मान्य है कि नहीं है, आय प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं तो ये बता सकता हूँ कि आय प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं कहीं कोई जानकारी दिया गया है संदर्भ में पहले, और नहीं आपको जो कॉल लेटर भेजा गया है उसमें इस आय प्रमाण पत्र के बारे में कोई जिक्र किया गया है। तो ये तो है कि भाई इस संबंध में अगर किसी को अपात्र करते हैं तो केस तो आप 100% जीत जाएंगे, इसका विरोध होगा, लेकिन ये डिग्री डिप्लोमा के बारे में स्पष्ट मैं भी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने कुछ दिन पहले आरटीआई लगाया था उसका वीडियो देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, जिसमें ये बताया है यूजीसी ने कि डिग्री और डिप्लोमा एक साथ करने के संबंध में उन्होंने किसी तरह का कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉर्म नहीं किया है, ऐसा वो लिख के दिया है। मैं चाहो कमेंट करके मुझे पूछेंगे तो मैं फिर से वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है, उस यूजीसी की रिप्लाई में क्या आया। फिलहाल अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, डिग्री और डिप्लोमा के कारण कई लोगों को उसमें टैग कर दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स टैग करने से भी कुछ नहीं होता है जब तक कि इसका लिस्ट नहीं आता है। अगर उस लिस्ट में ये कहा जाता है कि आपने डिग्री डिप्लोमा एक साथ किया है तो और आपको अपात्र किया गया है, तो उसमें भी बहुत सारा के केस है, बहुत सारे के सिचुएशन है, जैसे बता रहा हूँ कई लोग क्या करते हैं कि कई डिप्लोमा कर लेते हैं एक साथ और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कई डिग्रियां भी कर लेते हैं, कई लोग का जो फाइनल ईयर है वो मैच हो जाता है, कई लोग क्या करते हैं दोनों तरफ रेगुलर कर लेते हैं, जैसे इधर आप डीएड भी कर रहे हैं रेगुलर और उधर एडमिशन ले लिए हैं किसी भी माध्यम से, ग्रेजुएशन में भी रेगुलर ले लेते हैं और दोनों को करते हैं, इस ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल मान्य नहीं है। लेकिन अगर एक डिस्टेंस से है और एक रेगुलर है तो इस स्थिति में मान्य किया जाना चाहिए, बशर्ते कि आपको फाइनल ईयर मैच ना करे, ऐसा मेरे को जानकारी है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसे पहले के अभ्यर्थियों को पात्र किया गया है, ऐसा अगर आपको भी जानकारी हो तो आप जान रहे होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को पहले पात्र किया गया है, इससे पहले जो भी अन्य भर्ती होते हैं, जरूरी नहीं कि मैं शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ, जो डिग्री और डिप्लोमा एक साथ किए रहते हैं उसको मान्य किया जाता है। एक साथ से तात्पर्य मेरा ये है कि फाइनल ईयर मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग, ठीक है। हालांकि इस संदर्भ में मैंने भी कोई प्रपत्र नहीं देखा है जिसमें एक सत्र में
किया गया हो इस टाइप का। बस जो लोगों को जानकारी है जो मुझे बताते हैं और वो सभी मैं पूछता हूँ तो यही बताते हैं कि फाइनल ईयर मैच नहीं करना चाहिए, बाकी इधर सब चलता है, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा के संबंध में। लेकिन दो डिग्री आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसका आप UGC की वेबसाइट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, दो डिग्री आप एक साथ नहीं कर सकते हैं अभी की कंडीशन में, ठीक है। तो ये चीजें हैं और जिसके चलते अभी व्याख्याता और शिक्षक भर्ती में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो एक बड़ा सवाल है फ्रेंड्स और बहुत से लोगों के पास ये बहुत बड़ी समस्या है। तो देखते हैं इस पर क्या होता है, फाइनल लिस्ट आएगा तो उसे पता चलेगा कि इसको मान्य किया गया है नहीं किया गया है। अगर अपात्र किया जाएगा, अपात्र तो बहुत ही मतलब लोक संचालनालय का घेराव किया जा सकता है और जो भी होगा कई लोग कोर्ट भी जा सकते हैं इसके लिए। तो देखते हैं क्या होता है फाइनली, ये तो अभी स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा जरूर दबाएं। जय हिंद। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक जबरदस्त न्यूज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिसको सुनकर शायद आपके कानों को विश्वास भी ना हो। NIOS वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है, जी हाँ, NIOS वाले केस जीत चुके हैं, NIOS DLED की मान्यता मिल चुकी है रेगुलर शिक्षक भर्ती के लिए। मामला क्या है पूरा पूरा बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि बिहार में पिछले लगभग 8-10 महीने से केस चल रहा था शिक्षक बहाली में, शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में NIOS से जो DLED किए थे उनको बिहार सरकार द्वारा बाहर कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि NIOS वाले हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जिसका पूरा मिनिस्ट्री ऑफ HRD प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचा। फिलहाल अब जजमेंट आ चुका है, देख सकते हैं, ठीक है, मैं पूरा बताऊंगा भी आपको, पूरा जजमेंट यहां पर आ चुका है हाईकोर्ट के द्वारा जिसमें बताया गया है कि NIOS DLED मान्य है। और इसको मैं शॉर्टली आपको पहले बता देता हूं, फिर हम लेटर के बारे में बात करेंगे। जजमेंट में क्या बताया है मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। हाईकोर्ट ने माना कि यह NCT से अप्रूव्ड है। हाईकोर्ट ने NCT के स्पष्टीकरण को अवैध करार देते हुए कहा कि यह डिप्लोमा पूरे 2 साल का है जिन्हें 18 महीने में पूरा करवाया गया है। DLED सभी के लिए एक जैसा ही डिप्लोमा है, चाहे वह रेगुलर मोड का हो या डिस्टेंस मोड का, 2 साल का ही होता है और इसे NCT से मान्यता प्राप्त है। एक ही डिप्लोमा की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, ऐसा होना Article 14 का वायोलेशन है। इसलिए ये सर्वत्र मान्य है और इस डिप्लोमा को किए हुए अभ्यर्थी 1 से 8 तक शिक्षक बनने योग्य हैं। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार को शुद्धि पत्र जारी करने को कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि NIOS वाले एलिजिबल नहीं हैं और बिहार सरकार ने NIOS DLED के अभ्यर्थियों के लिए जो टेट पास हैं उन्हें 1 महीने का समय नियोजन इकाई में फार्म जमा करने का देने का निर्देश किया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, NIOS वालों को मान्यता मिल चुकी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अब मुद्दे की बात यह है कि मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, जैसे आप सबको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है जिसमें से कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में बहुत ही भड़कम मचा हुआ है NIOS की मान्यता को लेकर। और बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी भरम में है कि NIOS वाले हम पात्र किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि जब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है वहां से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार NIOS वालों को पात्र किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, NIOS वालों को पात्र किया जा रहा है। NIOS वालों जो डिप्लोमा लेकर जा रहे हैं उनको सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए मान्य किया जा रहा है जिसके संदर्भ में अब रेगुलर शिक्षक, रेगुलर DED BED वाले लोग भड़क गए हैं और वो लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अगर याचिका लग जाती है तो फैसला किसके पक्ष में आएगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह बात तो क्लियर है कि बिहार में इसको केस जीत
जीत चुके हैं। और अभी ये जो NIOS वाला है ये यूपी में भी चल रहा है, यूपी का जो टेट हुआ था जिसमें NIOS वालों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन ये जजमेंट के आते ही अब NIOS वालों का एक बहुत तगड़ा पक्ष बन चुका है कि हमारी भर्ती को मान्य किया जाए। फिलहाल हाई कोर्ट ने यही कहा है कि यह 2 साल का कोर्स था जिसे 18 महीने में NCT के द्वारा कराया गया है। ठीक है, तो अब कोई सवाल ही नहीं है। आप लोग NIOS DLED किए हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, थोड़ा बहुत अभी छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और क्योंकि रेगुलर BEd वाले आप कर केस करेंगे। ठीक है, और जो नियोजन की प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ में तो चल ही रही है, देखते हैं क्या है कैसे होता है। फिलहाल मैं कागजों पे ही बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर कीजिएगा, और जानकारी फुल जानकारी देने लायक अगर चैनल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं समय समय पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपके बीच लाते रहता हूँ, तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर देखिए यहाँ कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, पूरा 39 पेज का यह है, और जिसमें कोर्ट ने मैं आपको स्पष्ट तौर पर अभी जो बताया वही बात लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप, और चाहे तो वेबसाइट से भी उधर डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से। 21 तारीख का यह जजमेंट है बन रहा था, अभी इसे डिक्लेयर कर दिया गया है इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, और देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या होता है कैसे होता है। बहुत से लोग मैदान पर उतरने वाले हैं। अब मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि इसके बारे में और क्या अपडेट मिल रही है, छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है इसके संदर्भ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी जारी रखें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल पे पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी न्यू लेटेस्ट न्यूज के बारे में भी बात करने वाले हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो हो रही है उसमें स्थानीय भर्ती अब नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राजपत्र प्रकाशित कर दिया गया है कि स्थानीय भर्ती नहीं होगी। जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के अंतर्गत जो भर्ती होना था, ठीक है, जैसे कि राजपत्र पहले प्रकाशित हुआ था, अब उसमें संशोधन कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो भर्ती परीक्षा हो रही है शिक्षक की, ठीक है, 14,580 पद पर, इस पर जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जो सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला तथा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के जो सहायक शिक्षक है, उन सब पर, मतलब किसी भी पद पर शिक्षक संवर्ग के स्थानीय भर्ती नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर, मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर यहाँ 30 जनवरी का डेट लिखा हुआ है, और 30 जनवरी को इसको प्रकाशित कर दिया गया है, 30 जनवरी 2020। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30 जनवरी 2020। अधिसूचना क्रमांक करके यहाँ लिखा है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा प्रदत्त उप पैरा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल एतद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 5 में विनिर्मिष्ट नियुक्ति के लिए पात्रता के प्रावधान संबंधी संख्यक अधिसूचना क्रमांक लिखा हुआ है फ्रेंड्स, दिनांक 28 मई 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। कुल मिलाकर यह है कि 28 मई 2019 को एक पत्र प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो भर्तियां होती है सरगुजा संभाग में, बस्तर संभाग में और कोरबा जिले में, उनको 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए। लेकिन इसमें अभी संशोधन किया गया है, देखिए संशोधन करके लिख दिया गया है, ठीक है, उक्त अधिसूचना में, मतलब जो 28 मई को रिलीज हुआ था, अभी मैं दिखाऊंगा 28 मई वाला क्या पत्र रिलीज हुआ था, उसमें संशोधन किया गया है, क्या, अंतिम पैरा में पूर्ण विराम चिन्ह के स्थान पर कोलन चिन्ह, इसको प्रतिस्थापित किया जाए। और तो इसका मतलब यह है कि जो पूर्ण विराम लगाया गया था उसको, इसको प्रतिस्थापित करना है, और अंतिम पैरा में ये जो
जोड़ना है। अंतिम पैरा के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए, मतलब पूर्ण विराम तब लगाया जाता है फ्रेंड्स जब वाक्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, पूरा भाव कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहाँ हटाना है पूर्ण विराम को और इसको प्रतिस्थापित करके इसको जोड़ना है। परंतु यह कि उक्त अधिसूचना का प्रभाव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, देखिए स्कूल शिक्षा विभाग मतलब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 14,580 शिक्षक संवर्ग के पदों पर की जा रही भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक स्था विज्ञापन सीधी भर्ती 2019/422 अटल नगर दिनांक 9/3/2019 पर नहीं पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि जो 9 मार्च को विज्ञापन जारी किया गया था 14,580 पद के लिए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, इस पर इस 28 मई का प्रभाव नहीं रहेगा, कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है। ठीक 28 मई का जो रिलीज किया गया था उस पत्र का प्रभाव इस पर नहीं रहेगा। कुल मिला के यह है, सिंपल भाषा में बताऊं कि स्थानीय भर्ती नहीं होगा सहायक शिक्षक में और सहायक शिक्षक विज्ञान में। ठीक है, तो एक बड़ा जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार कमलप्रीत सिंह सचिव, और देखिए यहाँ इंग्लिश इसका भी वर्जन दिया गया है यहाँ पर और सारी चीजें दी गई है यहाँ पर। अब 28 मई वाला आपको मैं दिखाता हूँ पत्र। तो फ्रेंड्स ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये 28 मई 2019 को पत्र जारी किया गया था। देखिए यहाँ पर 28 मई 2019 को जिसमें बताया गया है कि जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो बस्तर संभाग सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिलों में स्थानीय भर्ती होना है उसका 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक इसकी कालावधि बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी यही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था और सेम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार कमलप्रीत सिंह सचिव इन्हीं के नाम से यहाँ पर राजपत्र प्रकाशित किया गया था। और अभी इसमें संशोधन करके जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी पर थोड़ा संशोधन किया गया है। यह संशोधन किया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो चुकी है, फिलहाल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इस पर इस पत्र का प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, ये बताया गया है। इसी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है। सेम यहाँ पर कमलप्रीत सिंह लिखा हुआ है उस लेटर में भी, आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए ये पत्र है। ठीक है, 30 जनवरी 2020 वाला। और ये देखिए इसी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशक तथा आदेशानुसार कमलप्रीत सिंह सचिव। ठीक है, तो ये एक बड़ा न्यूज है फ्रेंड्स, बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी इस पर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। तो फिलहाल इसका जितना ये जीत ही गए समझ लीजिए, इस पत्र को दिखाते ही केस तुरंत फैसला आ जाएगा और निश्चित रूप से जो कम रैंक वाले हैं जिनका अभी वेरिफिकेशन में नाम नहीं हुआ आया है निश्चित रूप से वो लोग का नाम आएगा और पूरे पदों पर पूरे राज्य से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो एक बड़ा जीत है फ्रेंड्स, मैदानी इलाके के लोगों में बहुत ही ज़्यादा खुशी अभी देखी जा रही है और होनी भी चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पर सब कोई आप स्पष्ट शब्दों में देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में और भी वीडियो बनाऊंगा मैं, तो ये फिलहाल ओवरऑल यही कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से अगर आपका कम रैंक है, कम नंबर है तो बिल्कुल आपका नाम वेरिफिकेशन में आ सकता है। और सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई है जो सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना स्टडी जारी रखें। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो हो रही है शिक्षक भर्ती। ठीक है, जिसका विज्ञापन मार्च 2019 में जारी किया गया था। फ्रेंड्स यह भर्ती प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा बन चुका है, बहुत सारे केस लगे पड़े हैं और बहुत सारे केस अभी लगे हैं और अभी और लगने वाले हैं, जिसमें मेन चीज सबसे जो बड़ा इशू आ रहा है वो आ रहा है सहायक शिक्षक पे, सब वर्ग 3 सहायक शिक्षक जिसको हम वर्ग 3 के नाम से सामान्य नाम से जाना जाता है, सहायक शिक्षक विज्ञान पर सबसे ज्यादा इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। वर्ग 2 और वर्ग 1 में उतना प्रॉब्लम नहीं है, वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शिक्षा कर्मी वाले के सीनियरिटी को लेकर है। ठीक है, और लेकिन अभी जो नया भर्ती चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं मुद्दों को लेकर चल रहा है।
अगर कोई मुद्दा छूट गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री और डिप्लोमा का। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग डिग्री और डिप्लोमा एक साथ किए हैं, एक रेगुलर और दूसरा प्राइवेट, ठीक है, उनको चिन्हांकित कर वेरिफिकेशन कर्ता के द्वारा अपात्र किया जा रहा है, ऐसे लोगों का कहना है। और इस मामले में बहुत ही बड़ा बवाल मचा हुआ था संचालनालय में, जहां वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी। अब देखना यह है कि डिग्री और डिप्लोमा को मान्य करती है, पात्र सूची में करते हैं या नहीं करते हैं। अगर इनको अपात्र किया जाता है तो ये मान के चलिए कि ये लोग 110% जाएंगे, वहां पे कोर्ट जाएंगे, ठीक है, कोर्ट का केस निश्चित रूप से लगेगा, ये डिग्री डिप्लोमा वाले जाएंगे, क्योंकि इनके पास भी एक तगड़ा पक्ष है। जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में आप डिग्री और डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, ऐसा उनका मैं आपको सबूत भी दिखा दूंगा। फिलहाल सबूत के बारे में बाद में बात करेंगे, इस भर्ती में कितने केस लग रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आ रही है सीजी टेट वर्सेस सी टेट, और अभी जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चली है उसमें सी टेट को वैलिड कर दिया गया है, मतलब सी टेट को मान्य किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सी टेट को वहां पात्र किया जा रहा है, जिससे सीजी टेट वाले अभ्यर्थियों के मन में काफी निराश देखी जा रही है और ये लोग पूरी कोर्ट जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, जो भी आवश्यक दस्तावेज सब जुटा रहे हैं, ऐसा ठीक है। तो अगर सी टेट को मान्य किया तो भी कोर्ट जाएंगे, और नहीं किया तो सी टेट वाले कोर्ट जाएंगे, दोनों स्थितियों में कोर्ट जाना तय है। तो इसमें दोनों स्थितियों में एकदम आर या पार की लड़ाई टाइप का हो गया है। दिया मान्यता तो भी जाएंगे, नहीं दिया तो भी जाएंगे, नहीं दिया तो इसलिए जाएंगे क्योंकि सी टेट को मान्य करके शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया है, आप चाहें तो आरटीआई लगाकर जानकारी ले सकते हैं। और दिया तो सीजी टेट वाले जाएंगे कि सीजी टेट वालों को पहले लेना चाहिए, उसके बाद सी टेट को लेना चाहिए, ऐसा करके जो भी जिस मैटर में भी, लेकिन जाना निश्चित है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं स्थानीय भर्ती से संबंधित अधिसूचना और मैदानी वाले के जो केस किए हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि स्थानीय भर्ती से संबंधित जो सहायक शिक्षक वर्ग 3 है, हिंदी अंग्रेजी माध्यम तथा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला तृतीय श्रेणी के अंतर्गत स्थानीय भर्ती होता है सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग तथा कोरबा जिले में, जिसके खिलाफ में अभी मैदानी क्षेत्र वालों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया जा चुका है। जी हाँ, इस पर याचिका दायर किया जा चुका है, एक सुनवाई हो चुका है, फाइनल फैसला आया नहीं, दूसरी सुनवाई अभी होना है, लेकिन 30 जनवरी 2020 के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्थानीय भर्ती नहीं होगा। अभी हाल ही में एक अधिसूचना है जिसके अंतर्गत स्थानीय भर्ती नहीं होगा, तो इस संदर्भ में स्थानीय संबंधित जो लोग हैं वो लोग कोर्ट जाएंगे, ठीक है। नहीं, अगर स्थानीय भर्ती नहीं हो रहा है तो जाना तय है, हो रहा तब भी अब याचिका लगाया जा चुका है, तो देखते हैं इस मैटर में क्या होगा, मतलब तीनों मामले में केस जा रहा है। चौथी बात आती है एनआईओएस और रेगुलर। एनआईओएस के जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में एनआईओएस वाले केस जीत चुके हैं, और वहां जो रेगुलर शिक्षा की भर्ती हो रही है, जो कि परसेंट बेस पे होता है, वहां कंपटीशन एग्जाम नहीं होता है, परसेंट बेस पे लिया जा रहा है, तो वहां एनआईओएस वाले केस जीत चुके हैं और उनको शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का कोर्ट ने आदेश दिया है, एक महीने का टाइम दिया है। मैं पहले भी वहां का कोर्ट को ऑर्डर को लेकर वीडियो बना चुका हूं। अब छत्तीसगढ़ में, अब इसके संदर्भ में अगर एनआईओएस को मान्यता, ऐसा बताया जा रहा है जो वेरिफिकेशन में से जो आ रहे हैं एनआईओएस वाले, वो बता रहे हैं कि उनको पात्र किया जा रहा है, मतलब एनआईओएस को शिक्षक भर्ती में अभी जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पात्र किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे रेगुलर डीएड बीएड वाले जो किए हैं उनमें काफी निराशा देखी जा रही है, और ये लोग पूरी तरह से इसके विरोध में खड़े हैं, और जल्द ही इसके विरुद्ध अभी धरना प्रदर्शन और कोर्ट में केस जरूर निश्चित रूप से लगेगा। मान्यता दिया तब भी लगना है, नहीं दिया तब भी लगना है, नहीं दिया तो एनआईओएस वाले कोर्ट जाएंगे, और दिया तो रेगुलर डीएड बीएड वाले कोर्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये दो अभी आप चारों स्थिति जो देखा आपने, निश्चित रूप से इसमें केस एक तो मैदानी स्थानीय भर्ती संबंधित लग ही चुका है मेरी जानकारी के अनुसार। और अब देखिए एक और चीज मांग उठ रही है कि अभी जो सी टेट दिसंबर में जिसका एग्जाम हुआ है, 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ था इसका, अब देखिए ये लोग भी मांग कर रहे हैं,
मांग ये कर रहे हैं कि सी टेट को जो दिसंबर में जिसका एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, सब चीज हो चुका है, इसको मान्य किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे तर्क हैं, अब ये फिलहाल इस मामले में कोर्ट का ये लोग जाने की पूरी तैयारी में है, ये लोग भी आवश्यक दस्तावेज जुटा रहे हैं, दूसरे राज्य की जो भर्ती प्रक्रिया है उनको लाने की तैयारी में। जैसे एमपी में क्या होता है, एमपी में आपका डॉक्यूमेंट अगर आप वेरिफिकेशन के बाद भी करते हैं, कंप्लीट करते हैं, मतलब नियुक्ति से पहले तक अगर आप अपना डॉक्यूमेंट जुगाड़ कर लेते हैं, अगर आप अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप नियुक्ति के पात्र हैं। ठीक, तो इसको और भी बहुत सारे तर्क हैं इसको लेकर, अभी सी टेट दिसंबर 2020 में जिनका एग्जाम हुआ है वो लोग भी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। तो फ्रेंड्स, इन पांचों मैटर पे यहाँ पर कोर्ट केस होने की पूरी संभावना है, और भी अगर कोई मैटर होगा तो छठवें नंबर में जा सकता है, और निश्चित रूप से छठवें नंबर में जा सकता है क्योंकि कोई ना कोई इशू जरूर पैदा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एक मैं तो चाहता हूँ कि अच्छी तरह से भर्ती प्रक्रिया संचालित हो जाए और सभी का इसमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे दे सरकार, और जो बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे हैं और उनका फिलहाल हल हो सके। लेकिन जैसे कि सबको पता है कि जिस व्यक्ति को भी गलत लग रहा है, जिसके साथ गलत लग हो रहा है, वो तो कोर्ट जाएगा ही, चाहे डिग्री डिप्लोमा हो, चाहे सी टेट वर्सेस सी जी टेट हो, चाहे स्थानीय हो, चाहे मैदानी हो, चाहे एनआईएस हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे दिसंबर 2020 सी टेट वाले हो, जो भी हो, अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से न्याय का दरवाजा खटखटाइए। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि इस भर्ती पर स्टे ना लगे और सबके साथ कोर्ट न्याय करे। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप भी जाइए, लेकिन सबके साथ न्याय हो, गलत तरीके से किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और सही तरीके से भर्ती हो, यही शुभकामना है। लेकिन बड़ी ही पेचीदा है, और क्या होगा इस मामले में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो सरकार करेगी वही होगा और जो कोर्ट करेगी वही होगा। ठीक है, तो यही जानकारी देने के लिए इस वीडियो बनाया था मैं, और भी मैं अभी डिग्री डिप्लोमा के संदर्भ में और भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी इस मामले में अपडेट मिलेगा उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए इस चैनल पर आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जो शिक्षक भर्ती नियोजन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में चल रही है उसके बारे में। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण बस्तर संभाग जगदलपुर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जय सकते हैं, सारा चीज लिखा हुआ, मैं सीधे टू द पॉइंट आपको बताता हूँ। शिक्षक भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को प्राप्त दस्तावेजों का दिनांक 2 मार्च 2020 से 18 मार्च 2020 तक सूक्ष्मता से परीक्षण, देखिए सूक्ष्मता से परीक्षण सत्यापन संबंधी कार्य हेतु निम्नांकित कर्मचारियों को सक्षम दर्शित कार्यों का दायित्व सौंपा जाता है। ये बात सत्य है कि एक बार वेरिफिकेशन हो चुका है, पात्र और अपात्र की लिस्ट चाहे व्याख्याता का हो, चाहे प्रयोगशाला का हो, चाहे वर्ग 1, 2, 3 टीचर का हो, किसी का पात्र लिस्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो वैसे व्याख्याता का तो आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश जो भी कारण है अभी तक नहीं आया है। और एक देखिए, एक आदेश जारी किया गया है इन अधिकारियों को कि फिर से एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलना है, जिसमें से 2 मार्च से 18 मार्च तक ये चलेगा, और उसमें क्या कहा, सूक्ष्मता से परीक्षण सत्यापन संबंधी कार्य हेतु मतलब चल रहा है, एक बार तो हो चुका है, ठीक है, अब सूक्ष्मता से होगा लग रहा है, जैसे कि इनको आदेशित किया गया है। और रिमार्क यहाँ क्या दिया गया है, तो अधिकारी का नाम देख ही रहे हैं, ठीक है, पदस्थ कार्यालय पदनाम वगैरह सब लिखा हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थियों के आवेदनों को व्यवस्थित सुरक्षित रखना तथा सौंपे गए अन्य कार्य, ठीक, दूसरा सत्यापन के पश्चात आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन करना तथा सौंपे गए अन्य कार्य। तो फ्रेंड्स, एक बड़ा ही बड़ा कदम समझ सकते हैं आप इसको, कह सकते हैं, क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन हो चुका है और उस समय डॉक्यूमेंट और सारे चेक कर चुके हैं, और उस समय पंजीयन भी एक बार, पंजीयन से तात्पर्य मेरा है कि जो ऑनलाइन उन लोग का जो भी डाटा है उसमें फिलअप भी हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब पुनः इसे एक बार सूक्ष्मता से परीक्षण किया जा रहा है, मतलब साफ है
कि किसी भी तरह का कोई लापरवाही ना हो, किसी भी अपात्र व्यक्ति को पात्र ना हो, ऐसा विभाग के द्वारा शायद उसका मानना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जो भी प्रक्रिया हो रही है उसको जल्द हो जाना चाहिए था और बहुत ही मतलब धीमा धीमा काम हो रहा है। तो देख सकते हैं इधर ऑफिशियल है ये, किसी तरह का कोई फेक नहीं है, ठीक है। और जो भी जानकारी होगा मैं आपको इस तरह से अपडेट करते रहूँगा। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का घंटा जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अगर कोई भी और संभाग में इस तरह का कोई आदेश आएगा तो निश्चित हूँ मैं वीडियो के माध्यम से आप तक सूचित करूँगा। और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, मतलब जून तक अगर नियुक्ति मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि लेकिन लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है उसके हिसाब से जल्दी ही नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे केस अभी हाईकोर्ट में लंबित हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, ठीक है, जिसका सुनवाई चल रहा है। और क्या क्या केस हैं इसको बताना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत से लोग अपने पर्सनल मैटर को लेकर भी केस लगा बैठे हैं और कितना केस लगा है एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी कम से कम 4-5 केस चल रहे होंगे, ठीक है, जैसे लोग बता रहे हैं कि इस पर एक केस लगाए हैं, चर्चाएं जो चल रही है उस पर। तो जो भी होगा अच्छा हो, पॉजिटिव हो और जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती हो, लेकिन इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाया जाना चाहिए, लेकिन जो कि उठाया नहीं जा रहा है अभी। तो जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों, मुकेश साहू क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे दबा दीजिए, उसके बाद बेल आइकन दिखेगा उसे दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की जानकारी सही समय पर प्राप्त कर सकें बिल्कुल फ्री में। नया नोटिफिकेशन या न्यूज़पेपर में एक आया है आर्टिकल, हाईकोर्ट ने बस्तर संभाग में शिक्षकों की भर्ती पर लगाई रोक। यहाँ पे बस्तर संभाग लिखा है, अन्य न्यूज़पेपर में सरगुजा संभाग भी लिखा है और कोरबा जिला भी लिखा है। मतलब ये वही मुद्दा है जो स्थानीय भर्ती के नाम से हम जानते हैं, स्थानीय भर्ती का मुद्दा जिसमें बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और कोरबा जिला शामिल है स्थानीय भर्ती के लिए। तो एक नया नोटिफिकेशन आया था जनवरी में कि अभी जो शिक्षक भर्ती हो रहा है उसमें ये स्थानीय भर्ती वर्ग 3 में लागू नहीं होगा। तो इस पे यहाँ के बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, कोरबा जिले के उम्मीदवारों ने, कैंडिडेट्स ने आपत्ति दर्ज की कि इसमें शिक्षक स्थानीय भर्ती होना चाहिए शिक्षक भर्ती में। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कि शिक्षक व सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य शासन द्वारा संशोधित अधिसूचना वही अधिसूचना है जो जनवरी में जारी हुआ था कि ये स्थानीय भर्ती अभी जो शिक्षक भर्ती है उसमें लागू नहीं होगा। तो उस पर विरोध जताया था वहाँ के स्थानीय लोगों ने और इस कारण से इसमें अभी हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई जाने की बात सामने आ रही है। तो ये सब आपस में लड़कर शिक्षक भर्ती को टालमटोल हो रहा है और ये नुकसानदायक होगा उम्मीदवारों के लिए ही। और ये विशेष तौर पे बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और कोरबा जिले के जो स्थानीय हैं उनके याचिका के आधार पर ये रोक लगाई गई है, जिसका पूरा आप ये देख सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। ये देख लीजिए, ये उसी के बारे में है। शैक्षणिक विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, राज्य के 1,31,000 शिक्षक कर्मियों का संविलियन हो चुका है। शेष बचे 16,000 शिक्षा कर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों का 1 जुलाई 2020 में संविलियन किया जाएगा। वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसका विज्ञापन 9/3 मतलब 9 मार्च 2019 को जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे लगभग 15,000 पद थे जिसमें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद थे के संदर्भ में थोड़ा सा अपडेट मिला है। हालांकि प्रक्रिया बहुत धीमी धीमी गति से चल रही है, लेकिन अब एक जानकारी मिली है अभी कि
सहायक शिक्षक भर्ती के लिए चयनित आवेदकों के दस्तावेज परीक्षण हेतु स्थान डाइट शंकर नगर रायपुर में दिनांक 23/3/2020 से निम्नानुसार अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी लगाया जाता है। तो ये कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पुनः हाँ आपका वेरिफिकेशन होगा, सबको जाना पड़ेगा, क्या सेकेंड लिस्ट के लिए है, और लोगों का वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, क्या है, सारा चीज इस वीडियो में आपको स्पष्ट क्लियर करने वाला हूँ। पहले आप ओवरऑल देख लीजिए कुल मिलाकर यहाँ पर कितने दल हैं। ओके, तो कुल मिलाकर इस तरह से यहाँ पर 14 दल क्रमांक है फ्रेंड्स, 14 दल मतलब 14 टीम बनेगा, ठीक है, जिसमें कर्मचारी भी हैं, अधिकारी हैं, कौन कौन से स्कूल से बिलोंग कर, सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका दल क्रमांक है, यहाँ पर नाम है, ठीक है, यहाँ क्या है, व्याख्याता हैं, प्राचार्य हैं, क्या हैं, ठीक है, और उसके बाद जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं उनका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लिपिक के साथ एक लैपटॉप साथ में देवें और उक्त कार्य हेतु उपस्थित रहेंगे। सबको जाना कहाँ है फिर, शंकर नगर डाइट, वही ठीक है, शंकर नगर जाना है, वहाँ डाइट है, उसे भी उपस्थित देना है आप लोग को, इन लोग को देना है, मतलब जो अधिकारी कर्मचारी को नियुक्ति सॉरी जो परीक्षण करेंगे। ओके, तो मेन चीज है फ्रेंड्स कि जैसे आप सबको पता है कि मैं पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जिस तरह से वर्ग दो का सूक्ष्म वेरिफिकेशन, सूक्ष्म परीक्षण हो रहा है, मतलब एक बात तो ओवरऑल हो चुका है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं रायपुर में, ठीक है, उसके बाद ये ड्यूटी जो अभी निर्धारित किया गया है इसमें सभी कर्मचारी अधिकारी आपके दस्तावेजों को सूक्ष्मता से परीक्षण करेंगे, ठीक है, एक एक लाइन को एक बारीकी से देखेंगे, कोई परसेंटेज गलत तो नहीं है, कोई फर्जी मार्कशीट तो नहीं डाल दिया, जो भी चीजें हैं सबको एकदम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, अधिकारी करेंगे, कर्मचारी करेंगे इस चीज को, ठीक है। उसके बाद जो है लगभग अप्रैल महीना में सेकेंड वीक में आपका जो पात्र अपात्र सूची है वो आ सकता है। और अभी बहुत बड़ी संशय की बात है कि अभी डिग्री डिप्लोमा क्या होगा, कैसे होगा, अता पता नहीं है, हालांकि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है, आप लोगों के हित में ही होगा, और बहुत सारे डाउट हैं अभी जो स्पष्ट नहीं बता सकता कोई भी, जब तक पात्र अपात्र सूची नहीं आएगा कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो अभी आप तो कोरोना वायरस का दौर चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे मतलब पूरा भारत बंद टाइप का है, कर्फ्यू टाइप का लग सब जगह, ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शासकीय कार्य भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा बंद हो चुके हैं, तो ये सब आप सभी जान दें, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका प्रभाव भी शिक्षक भर्ती पे पड़ रहा है, जैसे आप उसको देख सकते हैं स्थानीय भर्ती वाला केस, ठीक है, वो केस सुनवाई नहीं हुआ, तो अब देखते हैं अगला दिन सुनवाई कब होगा, ठीक है, अभी 18 मार्च होना था लेकिन उस दिन हुआ नहीं, अब कब होगा, 31 तारीख के बाद होगा या इसी बीच बिटवीन होगा, अभी क्लियर नहीं है। हालांकि गाइडलाइन के अनुसार, हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, जो एकदम संवेदनशील मामले हैं, जो अति आवश्यक है, उसी पर ही सुनवाई अभी होना है 31 मार्च तक, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं आपको मैं बीच बीच में अपडेट देते रहूंगा, और ठीक है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए ताकि जब भी आप नया वीडियो डाला जाए तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। ओके, तो जो भी चीजें हैं फ्रेंड्स, मुझे भी मतलब ये किसी वेबसाइट पे नहीं मिला, इसको मैं खोजा तो किसी वेबसाइट पे मैंने डाउनलोड करके नहीं रखा है, या फिर उसी से डाउनलोड नहीं किया है, मुझे मतलब फेसबुक से ही मिला है और उसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी किसी तरह का अगर ये दस्तावेज जो मैं आपको बताया, अगर ये किसी तरह का फर्जी है या फिर किसी के द्वारा वायरल कर दिया गया गलत तरीके से, तो उस पर आप अपनी सत्यता जांच लें, ठीक है, जानकारी पर तभी न्यूज पर विश्वास करें, क्योंकि आजकल कई बार ऐसा होता है कि फर्जी चीजें भी वायरल हो जाती है एकदम हूबहू ओरिजिनल जैसे, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बात भी बता देना चाहता हूँ, ठीक है, और नहीं हमें इसकी सत्यता का पूर्ण 100% इसका सत्य है यह अभी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी ऐसी चीजें हो रही है और होनी भी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।